तो गाइस नेक्स्ट मंडे नाइट रॉक के लिए अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। उसी मंडे नाइट रॉक की टिकट सेल भी आ चुकी है, मतलब पूरा उस मंडे नाइट रॉक का शो सोल्ड आउट होने पर आ चुका है। पूरे 6,800 टिकट बिक चुके हैं, अभी भी 900 टिकट बाकी है, लेकिन रॉक खत्म सॉरी कल तक आने तक सारी टिकट या फिर मंडे नाइट रॉक सोल्ड आउट होगा। साथ साथ बात करते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक डार्क मैच होने वाले अपने ट्राइबल चीफ ब्लड लाइन वर्सेस अपने रिडल वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट। अभी के लिए अपने स्ट्रीट प्रॉफिट और उसोस के इन दोनों की फ्यूड चल रही है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। साथ ही साथ अपने रोमन रेंज भी उस मंडे नाइट रॉक पर अपेयर होने वाले, क्योंकि वो होने वाला है गो होम एडिशन फॉर द मंडे नाइट रॉ सॉरी समर स्लैम के लिए गो होम एडिशन होने वाला है, इसलिए काफी तगड़ा शो होगा वो। इसलिए अपने रोमन रेंज के एडवर्टाइज किया, उसे उनको फर्स्ट टाइम का 3 या 4 महीने बाद उनको एक डार्क मैच एडवर्टाइज कर दिया, क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन है, क्योंकि इसमें 10 या 12 हज़ार की कैपेसिटी हो सकती है अगर मंडे नाइट रॉ की यूजुअल बात करें तो। काफ़ी बड़ा होगा ये मैच। और अब बात करते हैं रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर इस मैच की पॉसिबल एंडिंग के बारे में। बहुत सारे ऑफिशियल डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एंडिंग हो सकती है, मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि को डब्ल्यू खुद सोचेगी क्या समस्या में ऐसा एंडिंग करना चाहिए। अभी भी अनप्रेडिक्टेबल मैच है, कौन 3 पॉसिबिलिटी है, एक रोमन रेंज रिटर्न कर सकता है, एक ब्रॉक लेसनर जीत सकता है, और तीसरे अपने ऑस्टिन थ्योरी जीत सकते हैं, फिर कैश इन कर सकते हैं अपनी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट।